देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों से भारतीय बाजार में मर्सिडीज बेंज की ए क्लास गायब सी थी। इनमें हैचबैक, एसयूवी और सेडान मौजूद थी, लेकिन जब 2020 ऑटो एक्सपो के दौरान मर्सिडीज बेंज के पवेलियन में कंपनी ने अपनी नई ए क्लास लिमोजिन को पेश किया, उस समय से ही ग्राहकों से इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया मिलने लगी। और जब इस गाड़ी को लॉन्च किया गया तब तो और ज़्यादा इस गाड़ी को प्रतिक्रिया मिलने लगी, क्योंकि ये गाड़ी मर्सिडीज बेंज की एंट्री लेवल कार है और किफ़ायती कार भी है। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑटो और ये है नई मर्सिडीज बेंज ए क्लास लिमोजिन। मर्सिडीज बेंज ए क्लास लिमोजिन के अगर हम लुक्स और डिजाइन की बात करें तो दिखने में आपको पूरी तरह सीएलए की याद दिलाती है। हालांकि सीएलए के मुकाबले इस गाड़ी का जो डिजाइन है वो एक कॉम्पैक्ट अवतार में देखने को मिलता है और फ्रंट से अगर आप इस गाड़ी को देखते हो तो पूरी तरह चेंज दिखाई देती है। फ्रंट में आपको इसकी एलईडी हेडलाइट की ट्रीटमेंट अलग देखने को मिलती है, ग्रिल की ट्रीटमेंट अलग देखने को मिल जाती है, सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है और साथ ही इस गाड़ी में जो ग्रिल आप देख रहे हो वहाँ पर बड़े एयर इंटेक्स देखने को मिलते हैं, जो कि इस गाड़ी को एक यूनिक लुक देते हुए नज़र आते हैं। सिंपल और डिसेंट ये गाड़ी आपको देखने में लगती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ से भी मर्सिडीज बेंज ए क्लास लिमोजिन आपको सिंपल और सोफिस्टिकेटेड दिखाई देती है। 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। 4.5 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा इस गाड़ी की लंबाई है तो आपको साइड से दिखने में काफ़ी ज़्यादा लंबी लग रही होगी। रूफ लाइन की अगर हम बात करते हैं तो आपको जैसे सीएलए में देखने को मिलता था वैसे देखने को नहीं मिलती है, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट ये लगती है और इसका फ़ायदा इस गाड़ी के अंदर बैठने पर मिलता है जब आपको ज़्यादा हेडरूम देखने को मिलता है। वहीं अगर पिछले हिस्से में देखें तो नई मर्सिडीज ए क्लास लिमोजिन में नई एलईडी टेल लाइट्स देखने को मिल जाती है और साथ ही इस गाड़ी का जो पीछे से जो डिज़ाइन है वो आपको जिस तरीके से आगे से देखने को मिलता है सिंपल और डिसेंट, साइड से देखने को मिलता है सिंपल और डिसेंट, रेयर से भी वैसा ही सिंपल और डिसेंट देखने को मिलता है। कुल मिलाकर इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है, ओवरऑल लुक्स है, वो एक टाइमलेस डिज़ाइन देखने को मिलता है। यानी कि इस गाड़ी को अगर आज से 5 या 10 साल बाद भी देखोगे तब भी ये आपको पुरानी नहीं लगेगी, सेम वैसे ही सिंपल और डिसेंट और साथ ही प्रीमियम नज़र आएगी। ए क्लास लिमोजिन है तो जाहिर सी बात है शुरुआत भी हम इसके लिमोजिन हिस्से से करते हैं, यानी कि रियर सीटों पर बैठकर। तो मर्सिडीज ए क्लास लिमोजिन के रियर सीटों पर अगर आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आपको भरपूर स्पेस मिल जाता है। इनफैक्ट आपको काफ़ी अच्छा खासा हेडरूम देखने को मिल जाता है, लेगरूम देखने को मिल जाता है। हालांकि जो थाई सपोर्ट है उसे थोड़ा सा कंपनी और बेहतर बना सकती थी। इनफैक्ट अगर आप लंबी दूरी की यात्रा पर जाते हो तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है और यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन टनल देखने को मिल जाता है, इसमें भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर आप बीच में किसी व्यक्ति को बिठाते हो, अदरवाइज दो लोग यहाँ पर आसानी से बैठ सकते हैं। इतना ही नहीं, इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो है 2729 mm, तो जाहिर सी बात है आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर 2 AC vents तो मिलते हैं और 2 Type-C USB port भी देखने को मिल जाता है। हालांकि AC vents को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलर्स होते हैं वो नहीं दिए गए हैं, आप फैन की स्पीड कम ज़्यादा यहां से नहीं कर सकते। और साथ ही यहां पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है और इसी में ही आपको 2 cup holders भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस गाड़ी का जो मेन मुकाबला है ना वो है BMW की 2 Series ग्रैंड कूपे से। उस गाड़ी में आपको उतना हेडरूम नहीं मिल पाता है जितना आपको इस गाड़ी में देखने को मिल रहा है। तो रियर सीट की कहानी तो आपने देख ही ली है, लेकिन इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठकर कैसा एहसास मिलता है और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इस बारे में भी एक बार देख लेते हैं। मर्सिडीज बेंज ए क्लास लिमोजिन के जैसे ही आप फ्रंट सीट यानी कि ड्राइवर सीट पर आते हो तो यहाँ पर आपको कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। पूरी तरह प्रीमियम फील आपको देखने को मिलता है। लग्जरी कार है तो जाहिर सी बात है लग्जरी फीचर्स होने भी इसमें लाजमी हैं। 2 बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, 10.25 इंच की एक यहाँ मिलती है, 10.25 इंच की एक यहाँ मिलती है। ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है और ये है इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इसे कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ से यानी कि स्टीयरिंग व्हील से भी
लेफ्ट साइड वाले जो बटन है वहां से कंट्रोल कर सकते हो, यहां पर हैप्टिक टच दिया हुआ है, इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हो, और टच स्क्रीन तो ये है ही। तो टेक्नोलॉजी का कंपनी ने इसमें भरपूर ध्यान रखा है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट कंसोल को अगर आपको कंट्रोल करना हो तो यहां पर स्टीयरिंग व्हील में मिलने वाले राइट साइड वाले जो कंट्रोलर्स है वहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी में आपको बीच कलर की थीम देखने को मिल जाती है, ब्लैक इंटीरियर भी देखने को मिल जाता है, और ये जो वुडन पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हो ये काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, इसे लग्जरी रूप देता हुआ नजर आता है। एसी वेंट्स का जो डिजाइन है वो भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ देखने को मिल जाता है जिसे आप ग्लॉस ब्लैक भी कह सकते हो, और यहाँ पर मिलने वाले जो एसी कंट्रोल्स हैं यानी कि एसी के जो बटन्स हैं वो भी काफी अच्छे और प्रीमियम क्वालिटी के देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और यहीं पर एक छोटा सा टाइप सी यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं जहां पर ये पानी की बोतल रखी हुई है मैंने, और यहां पर सेंटर कंसोल पर अगर आप देखते हो तो यहां पर आपको जो ड्राइविंग मोड्स हैं उसके आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के आपको यहां पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और साथ ही ये आप देख रहे हो ये तो हैप्टिक टच है जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पर हाथ रख के आप इसे यूज कर सकते हो। यहां पर अगर आप देखते हो तो आपको आर्मरेस्ट में छोटा सा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है, और इसमें काफी अच्छा खासा सामान आप रख सकते हो। इसके अलावा अगर सीटों की बात करते हैं तो ये भी काफी ज्यादा आरामदायक है और कंफर्टेबल है, 3 मेमोरी फंक्शंस के साथ आती है, आप इसे इजीली एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर दिए गए बटन्स के साथ। और इस गाड़ी में अगर व्यू का मजा लेना है तो सनरूफ काफी अच्छा खासा दिया गया है। ए क्लास लिमोजिन में जीएलए की तरह कंपनी 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में MBUX इंटरफेस दे रही है। जी हाँ, ये कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप इस गाड़ी से बात कर सकते हैं, इनफैक्ट होटल रेस्टोरेंट पेट्रोल पंप जैसी जानकारी को भी नेविगेट करने के लिए इसमें बोल सकते हैं, जैसे कि हे मर्सिडीज हाउ मे आई हेल्प यू, टर्न ऑन एसी, ओके आई एम एक्टिवेटिंग द एयर कंडीशनिंग, मर्सिडीज ए क्लास का हम A200D वेरिएंट चला रहे हैं जो कि 4 सिलेंडर डीजल इंजन के साथ आता है, और ये इंजन 150 bhp की पावर के साथ 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ कंपनी 8 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर कर रही है, और देखा जाए तो पेट्रोल इंजन की बात करें जो कि A200 वेरिएंट है उसमें कंपनी ऑफर कर रही है 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, और वो इंजन 163 bhp की पावर देता है और साथ ही 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। उसमें कंपनी 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन ऑफर कर रही है। डीजल इंजन के साथ खास बात यह है कि आपको इसमें जैसे कि कंपनी क्लेम करती है 21 किलोमीटर प्रति लीटर से थोड़ा सा ज्यादा माइलेज मिल जाता है, और वैसा ही कुछ हमारी रोड टेस्ट में देखने को मिला है, यानी कि 18-19 km/h तक इस गाड़ी ने हमें अच्छा खासा माइलेज दिया है। इसके अलावा कंपनी ए क्लास में AMG वेरिएंट भी ऑफर कर रही है, AMG A35 लिमोजिन, जिसमें कंपनी ऑफर कर रही है 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 301 हॉर्स पावर और साथ ही 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। फिलहाल हम A200D यानी कि डीजल वेरिएंट चला रहे हैं, तो बात भी हम सिर्फ डीजल इंजन की ही करेंगे। ये डीजल इंजन काफी खास है क्योंकि इस इंजन को आप सी क्लास, ई क्लास, CLS, GLC और GLE में भी देख सकते हैं। हालांकि ए क्लास में इस इंजन को कंपनी ने लोअर स्टेट में ट्यून किया है और इसी वजह से इसकी पावर आउटपुट थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। इंजन की खास बात यही है कि इसका ARAI माइलेज 21.35 km/h है और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में इसे 8.2 सेकंड्स का वक्त लगता है। इंजन के साथ कंपनी ने इसमें 8 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन शामिल किया है। इस गाड़ी को पहली बार ही चलाने में आपको ऐसा फील होता है कि इंजन काफी ज्यादा रिफाइंड है और लो रिप्स पर ही आपको ये बढ़िया टॉर्क देने लगता है। हार्ड एक्सेलरेशन में आपको लो गियर्स में बढ़िया पंच मिल जाती है और सच बताऊं आपको पावर की कहीं से भी कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। राइड क्वालिटी की बात करते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया मिलता है लेकिन सस्पेंशन थोड़े से कठोर नजर आते हैं। इसकी राइड क्वालिटी देखी जाए तो आपको पुरानी CLA से थोड़ी सी बढ़िया देखने को मिलती है। A200D को चलाते समय एक चीज जो मुझे सबसे बड़ा माइनस पॉइंट लगा है इस गाड़ी में, खैर कंपनी इसमें थोड़ा सुधार कर सकती थी,
जो इंजन की नॉइज है ना वो थोड़ी ज्यादा आ रही है डीजल इंजन की, और साथ ही रोड की जो नॉइज है वो भी थोड़ी सी अंदर देखने को हमें मिल रही है। दोस्तों बात करते हैं मर्सिडीज ए क्लास लिमोजिन को खरीदा जाए या नहीं। भारतीय बाजार में इस गाड़ी का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी से है, BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे। इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 41,55,000 रुपए से शुरू होती है जो कि जाती है 43,58,000 रुपए तक। हालांकि इस गाड़ी का एक AMG मॉडल भी आता है जो कि सुपर फास्ट है और फ्रंट टू ड्राइव इंजन के साथ आता है और उसकी कीमत है 57,50,000 रुपए के आसपास। तो देखा जाए ये जो गाड़ी है ना, इस गाड़ी को चलाने में काफी ज्यादा मजा आता है। इनफैक्ट डीजल इंजन के साथ ये गाड़ी आपको काफी बेहतर माइलेज के साथ साथ बेहतर परफॉर्मेंस भी देती है। चलाने के दौरान थोड़ी सी रोड की आवाज जरूर आती है लेकिन वाकई दमदार है। इसके अलावा फीचर्स भी आपको भरपूर मिलते हैं और साथ ही BMW 2 सीरीज के मुकाबले आपको ज्यादा स्पेस भी ये गाड़ी ऑफर करती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों से भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि मर्सिडीज A200D की परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हैं और एक डिटेल रिव्यू चाहते हैं कि ये गाड़ी वाकई चलाने में कैसी है, क्या फीचर्स आपको ऑफर करती है।